आज पूरे देश में गोदी मीडिया ने अपना ऐसा छवि बना दिया है कि न्यूज चैनल पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। एक ऐसा जमाना था जब न्यूज चैनल से सही जानकारी और सच्चाई देखने को मिलती थी, लेकिन अब नफरत और झूठ फैलाई जाती है क्योंकि न्यूज चैनल अब पत्रकारिता छोड़ चाटुकारिता करने लगे हैं। इसलिए गोदी मीडिया को हर जगह अब जलालत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन में रिपोर्टिंग करने गए कई गोदी मीडिया के पत्रकारों को खदेड़ कर भगाया भी गया, लेकिन अब तो हद ही हो गया। किसानों ने पूरे गोदी मीडिया की सेल ही लगा डाला, जिसमें खास करके अर्णव गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी के चैनल जी न्यूज को कुत्ता बोलकर बेचने लगे। कसम से गोदी मीडिया की आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी जितने के किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने किया। अगर अभी भी गोदी मीडिया नहीं सुधरेगा तो एक ऐसा जमाना आएगा जब गोदी मीडिया को न्यूज शुरू करने से पहले अदालत में जैसे मुजरिमों को कसम खिलाया जाता है वैसे ही कसम खाना पड़ेगा। तभी जनता को यकीन होगा कि ये पत्रकार सच बोल रहा है और ये न्यूज सच है। खैर, चलिए देखते हैं वीडियो कैसे किसानों ने रिपब्लिक भारत और जी न्यूज सहित कई न्यूज चैनलों का सेल लगा डाला। जी क्या क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? भोगता है ये, भोगता क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? कुत्ते बेच रहे हैं जी, कुत्ते बेच रहे हो। ये देखिए, ये रिपब्लिक कुत्ता, ये एबीपी क्या है, एबीपी कुत्ता, ये सारे कुत्ते हैं जी, अलग अलग वेराइटी के, ये भोगते हैं। आपको कैसा चाहिए? ऐसा चीज बहुत भोंगता हो। ये लो रिपब्लिक, इतना भोंगता है, इतना, ये तो काटता भी नहीं, इसके दांत भी तुड़वाती है। आप एक बार कहोगे ना भोंकने के लिए, फिर ये 6 दिन तक भोंगता रहेगा। आपको रोटी भी नहीं डालनी है, कोई ना एक बार रोटी डाल दो, थोड़ी खाता आता नहीं है, इतना सा टुकड़ा डाल दो वो भी खराब सा, फिर भोंकता रहता है जी, पूछ भी हिलाता है। अच्छा, बहुत अच्छा हिलाता है। ये ले लो आप, तो ये अपनी मर्जी से अभी निकल जाएगा, फिर ये अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बोलता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है। आप जो कहेंगे ना वही भोंकता रहेगा, ये थकता नहीं है, इसकी क्या खासियत है। अच्छा अच्छा, अरे गजब का कुत्ता है, इस नस्ल के तो बहुत कम कुत्ते बच्चे हैं, ये तो है ही ऐसा। इसके अलावा और कौन कौन सा कुत्ता है? एक ये जो कुत्ता है ना, ये छिनूज, ये छिनूज, ये भी गजब का, ये इसकी बराबरी तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें कंपटीशन है। ये भी मतलब भोंकता है, इतना भोगता है, इतना, ये झूठ भी बोलते हैं सारे। अच्छा, बहुत झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। ऐसे तो नहीं है मेरा खेत बेच देंगे, मुझे बोलते रहेंगे खेत अभी भी है, खेत अभी भी है। देखो ये विश्वास है, इसकी गारंटी नहीं है, पर कुत्ते बेच रहे हैं, खेत खेत नहीं, ये खेत बेचते तो बेच देंगे। अच्छा, खेत नहीं बचा सकते इनके भरोसे, खेत नहीं छोड़ना। अच्छा, ये तो मैं पहले कह देता हूँ, ये तो बेच ही देंगे पीछे से, इन्होंने देश बेचने की तैयारी कर रखी है। आपका तो खेत है छोटा सा, मोहल्ला भी चुभी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ बहुत भोंकते हैं, रात को देखो जी, रात को घट भोंकते, दिन में ज्यादा बोलते हैं। तो इन कुत्तों को चुप करवाने आए हो क्या यहाँ पे आप? हाँ, इन्हें चुप करवाने आए हैं। अच्छा, पूरे इन्हें को चुप करा के जाएंगे, अपना हक लेके जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, कुत्ते डर जाएंगे सब? हाँ डरेंगे। अच्छा, जनता तक दूर डरे, सारा हिंदुस्तान का डरेंगे। आप इन इसके साथ कोई भी फ्री ले सकते हैं, इसके साथ एक के साथ एक। लेकिन घर में ऐसे झूठे दो कुत्ते रख लिए, हाँ। उससे हमको तो नुकसान नहीं हो जाएगा? जी ये नुकसान किसी का नहीं करेंगे, ये तो खाली झूठ ही बोलते रहेंगे। अच्छा, झूठ से नुकसान हो जाएगा वो, मतलब जो भी ये बोले उसका उल्टा समझ लें। हाँ, ये करना, ये भोंके ना तो आप सोच लीजिए कि चोर आया नहीं है। अच्छा, ये जब तुम बोलता है तो सोच लीजिए कि चोर आ गया, ये चोर आएगा तो नहीं भोंकेंगे। अच्छा, आपके खेत में अगर कोई पशु घुस गया तो नहीं भोंकेंगे, ये तो अकेले ही शेर बने बैठते हैं, सामने बिल्ली भी दिख गई ना तभी डर जाएंगे, डरपोक में। अच्छा, लेना क्या? नहीं 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 साहब, भरोसा नहीं है इस कुत्ते मेरे को। ऐसे ऐसे ग्राहक आते हैं, 4 कुत्ते लेके बैठे, वही नहीं बिकते। तो देखा आपने कैसे गोदी मीडिया का मजाक बन रहा है और खिल्ली उड़ाया जा रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।